वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज हम बना रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता, लेकिन मैक्रोनी के साथ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और पास्ता बनाने के लिए हमने क्या क्या सामान लिया है? ब्लैक पेपर, सॉल्ट, पिनोल क्यूब, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मैदा, दूध, ऑरिगैनो, क्रीम और मैक्रोनी। हम इसमें ये चिकन भी डालेंगे। इस चिकन को हमने लहसुन और काली मिर्च डाल के फ्राई कर लिया है ऑयल में। हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं पास्ता बनाने का। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने इसमें मैदा डाल दिया है। इसमें स्लो स्लो दूध ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये मसाले ऐड करेंगे क्या क्या? ब्लैक पेपर, नमक और फिनोल क्यूब, धनिया पाउडर। साथ ही सॉस तकरीबन रेडी हो गई है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा चला के इसमें साथ ही साथ हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर कीजिएगा कि आपका ये व्हाइट सॉस पास्ता आपके घर में कैसा बना। इसलिए भी खा के देखेंगे कि ये बना कैसा। खुशबू तो बहुत अच्छी आती है। देन हम से खाएंगे। ये हमारा पास्ता हो गया है रेडी और अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि ये कैसा बना। आप लोग अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमसे शेयर कीजिएगा कि आपका ये पास्ता घर में कैसा बना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।